और दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है हमारे एलपीजी सिलेंडर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में चाहे कोई सा रसोई गैस सिलेंडर है, चाहे एचपी का हो, चाहे इंडियन का हो या भारत गैस हो, यानी कि दोस्तों अगर आपके घर में तीनों कंपनियों में से चाहे कोई सा रसोई गैस सिलेंडर है, तो आज हमारे भारत की सरकार ने, यानी कि दोस्तों आज 1 फरवरी 2022 से हमारे भारत की सरकार हमारे देश में सभी रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज हमारे भारत की सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में क्या बदलाव किया है। और इसके अलावा दोस्तों हमारे भारत की सरकार ने गैस की सब्सिडी को लेकर भी आज बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, तो इसके बारे में मैं आपको आज संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से आते हैं, तो फिर इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ एकदम अंत तक और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब सीधे बात करते हैं बड़ी खबर की। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो रसोई गैस सिलेंडर की हर एक जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे वाईफाई ज्ञान चैनल को आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आगे जो भी रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के जानकारी अपलोड करेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करेगी। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे साल के दूसरे महीने यानी कि दोस्तों फरवरी महीने में हमारा बजट पेश होता है। और ठीक दोस्तों आज 1 फरवरी 2022 को हमारे भारत के सरकार के द्वारा हमारे रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के आज सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ चुकी है। और दोस्तों बता दें आपको कि बजट के जरिए तमाम ऐसी चीजें जिसमें बदलाव किया जाएगा। फिलहाल तो सभी लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार हमारे वित्त मंत्रालय की तरफ से, यानी कि दोस्तों जो हमारा बजट पेश करेंगे वित्त मंत्रालय द्वारा, उसमें आपकी रसोई गैस सिलेंडर में क्या कुछ बदलाव निकल कर आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में 14.2 किलोग्राम वाला एलपीजी का सिलेंडर है, यानी कि जो आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर यूज होता है, उसके दाम में हमारे भारत की सरकार इस महीने यानी कि दोस्तों फरवरी के महीने में लगभग हमारे भारत की सरकार 300 रुपए की कमी कर दिया है। और बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे यह बात गलत है, लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा, क्योंकि हमारे भारत की सरकार बजट पेश होने के द्वारा यह पूरा ऐलान कर दिया है कि जो आपका रसोई गैस सिलेंडर 900 का पड़ रहा है, वो आपको 600 रुपए का पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो आपको 900 रुपए का पड़ेगा, वो आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी की राशि 300 रुपए जाएगी। यानी कि दोस्तों जो आपका 900 का सिलेंडर पड़ रहा है, मान लीजिए कि अगर आप 900 रुपए अपने रसोई गैस सिलेंडर को रिफिल करवाने के लिए देंगे और आपको 300 रुपए वापस मिल जाए, तो कितना अच्छा होगा। और ठीक दोस्तों आज हमारे केंद्र सरकार ने यही नियम लागू किया है, अगर दोस्तों आज आप अपने रसोई गैस सिलेंडर को गैस एजेंसी पर रिफिल करवाने के लिए जाएंगे, तो वो आपको 900 रुपए तो देने पड़ेंगे ही, लेकिन तुरंत आपके बैंक खाते में आपको 300 रुपए रिफंड यानी कि वापस आपको मिल जाएगा। तो है ना काफी अच्छी खबर। और दोस्तों यह सुविधा हमारे केंद्र सरकार ने आज 1 फरवरी 2022 से पूरे देश में लागू कर दिया है। तो अगर दोस्तों आपके घर में भी 14.2 किलोग्राम वाला एलपीजी का रसोई गैस सिलेंडर है, तो इतनी बात में नीचे कॉमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। और अब बात करते हैं कि हमारे भारत की सरकार 19 किलोग्राम यानी कि कमर्शियल सिलेंडर में कोई परिवर्तन किया है कि नहीं किया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अभी तक हमारे 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर में कोई भी परिवर्तन या कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कोई भी परिवर्तन आ जाएगा, तो मैं आपको इसी वाईफाई ज्ञान चैनल पर जाहिर कर दूंगा। तो आइए दोस्तों आपको आज की यह जानकारी काफी ज्यादा पसंद आ गई होगी, क्योंकि हमारे भारत की सरकार ने हमारे रसोई गैस सिलेंडर के दाम को 300 रुपए तक सस्ता कर दिया है। तो चलिए इसी खबर के साथ आज का यह रसोई गैस सिलेंडर का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलता है एक और नई जानकारी के साथ एक और नई अपडेट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।